हेलो गाइस, वेलकम टू SMG। क्या आप सोच रहे हैं कि फेसबुक का नाम मेटा में चेंज होने जा रहा है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टा व्हाट्सएप का नाम भी चेंज होने जा रहा है? और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये मेटा यूनिवर्स क्या है और ये एक यूनिक वर्ड है जो पहले आपके सामने नहीं आया होगा। ऐसा इस वर्ड में है क्या और कहाँ से ये वर्ड आया? और भी बहुत सारे क्वेश्चन एंड मिथ आपके सामने आ रहे होंगे और आपको फ्रेंड्स में भी आपको इस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया इन्वेंट करने जा रहे हैं जहां लोग देखेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे। उस यूनिवर्स को मेटा कहलाएंगे। इससे रिलेटेड फ्यूचर प्रोडक्ट में भी मेटा का नाम होगा। हम आपको मार्क जुकरबर्ग की एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। To adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. इन सब से ये रिजल्ट निकलता है कि फेसबुक लोगों की प्राइवेसी और यूजर नेम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो FB सिर्फ अपना कॉरपोरेट बदल रहा है, ना कि अपने ऐप्स के नाम चेंज कर रहा है। जैसे कि वैसे ही प्लेटफॉर्म वैसे ही चलते रहेंगे, बस एक न्यू प्लेटफॉर्म जो हमारे सामने स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम मेटा होगा, जिसका मिशन सिर्फ आपको फील कराना है और जिससे हमें फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं।